काम से निकाले गए पुराने स्थायी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति सहित काम पर भिजवाने की मांग पर आज यहाँ सीटू के बैनर तले यहाँ धरना चल रहा है। धरने के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि प्रबंधक अपने अनुचित श्रम आचरणों पर रोक लगाएं, मांग पत्र पर सम्मानजनक समझौता करें, कार्य से रोके गए सभी श्रमिकों को काम पर लें। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन संस्थान के गेट पर शुरू किया जाएगा। हिंदुस्तान जैसी कंपनी के प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी काम पे वापस लो, वापस लो, वापस लो। कारखाने में श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीटी रोड छेजा के पास कंपनी पर आज धरना है। ये धरना प्रबंधकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कई दर्जन कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हो रहा है। श्रम कानूनों को लागू करने की मांग पर मांग पत्र पर समझौता करवाने की मांग पर यहाँ के प्रबंधकों ने गैर कानूनी तरीके से कई दर्जन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है। परमानेंट स्थायी कर्मचारी नौकरी से बाहर है और अस्थायी ठेके पर मजदूरों को काम पर रख के काम चलाया जा रहा है। और 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह केंद्र सरकार श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव किए हैं उसके खिलाफ मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी के मुद्दों को लेकर के 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है। देशव्यापी हड़ताल के दिन भी 26 नवंबर को हिंदुस्तान अधिवेशन के गेट पर दोबारा धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा, तमाम कर्मचारी गेट पर इकट्ठा होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे और इसके बाद आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन संस्थान के गेट पर किया जाएगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के धरना है जो चल रहा है। दिन भर का धरना हमारे यहाँ चलता रहेगा। प्रबंधक अगर कोई बातचीत करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन की तैयारी हमारे यहाँ की कमेटी हमारे यूनियन के साथ ही करेंगे। और निकाले हुए पुराने स्थायी जो कर्मचारी है क्षतिपूर्ति के सहित उनको काम पे वापस लिया जाए। अगर प्रबंधक हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आने वाली 26 नवंबर को एक बड़े धरने की तैयारी हिंदुस्तान अधिवेशन के गेट पर आप करें। आसपास के तमाम मजदूरों को इकट्ठा करके अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर के 26 नवंबर को फिर कंपनी के गेट पे धरना आप करें, उसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। जो साथी आज नहीं आ पाए किसी वजह से उनको भी सूचना दे करके 26 नवंबर को बुलाना है। 26 नवंबर को पूरा देश का मजदूर श्रम कानूनों में मजदूरों बदलाव के खिलाफ, मजदूरों के ऊपर बढ़ते दबन शोषण उत्पीड़न के खिलाफ पूरा देश का मजदूर हड़ताल में जा रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ। हिंदुस्तान अधिवेशन के प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांग पत्र पे सम्मानजनक समझौता करना होगा, करना होगा, करना होगा।